हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं सातुरो गोजो को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका आउटलाइन अपलोड किया था, तो आप उसे भी देखना। तो उसमें मैंने बताया कि कैसे आउटलाइन बना सकते हैं। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको कलर करने की टिप्स बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से कलर मिक्स करना आना चाहिए विथ लिमिटेड कलर्स, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से कलर मिक्सिंग सीख सकते हैं। और उसके बाद मैं अभी ये कलर तो एक्रेलिक पेंट से कर रहा हूँ। अगर आप एक्रेलिक पेंट से कलर करते तो वाटर को कम यूज़ करना रहता और पेंट को ज़्यादा, और अगर वाटर कलर का यूज़ कर रहे तो उसमें पानी को ज़्यादा और कलर को कम यूज़ करना रहता है। तो ये आपके ऊपर, आप कौन से कलर को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अपने मीडियम को भी सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कि आपको आपके पेपर का साइज़ और पेपर की थिकनेस पर भी ध्यान देने रहता है। और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इस वाले फ़ोटो में जो मेरा रेफरेंस फ़ोटो है उसके हिसाब से फेस के आधे साइड में शेडो आ रही है और आधे साइड नॉर्मल है। तो उसके लिए शेडो वाले एरिया में भी हम लोग को अलग कलर को मिक्स करना रहता है। और उस कलर को मैंने मिक्स किया है येलो, पिंक, फ्लैश टिंट और वाइट कलर्स का यूज़ करके। और मैंने ब्राउन कलर का भी यूज़ किया है, और नॉर्मल एरिया के लिए मैंने वाइट, येलो और ब्राउन कलर का यूज़ किया है। और मेरे पास ना हेयर और जैकेट के लिए पर्पल कलर था नहीं, तो मैंने गोजो की टेक्निक की तरह रेड और ब्लू कलर को मिक्स करके पर्पल कलर का यूज़ किया। और जहाँ लाइट था वहाँ मैंने वाइट का यूज़ किया, और जहाँ डार्क था वहाँ मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। तो आपको इसी तरह कलर मिक्सिंग भी आनी चाहिए। अगर ऐसे लिमिटेड कलर से आप बहुत सारे कलर बना सकते हैं, तो यही मैं आपको पहले भी बता रहा था। और नेक्स्ट मैं किसे ड्रॉ करूँ ये भी बताओ, या किसी चीज़ के ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे को ये भी बता सकते हो, तो नेक्स्ट मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और वैसे आप लोग को ये ओवरऑल ड्राइंग कैसी लगी है वो भी बताना। और अब आप लोगों के लिए बोनस टिप कि जो अगर हमसे लास्ट में हाई ब्लैक कलर से पूरा आउटलाइन करना रहता है तो मेरे से तो कई बार फैली है, तो उसका मैंने अपने दिमाग का पूरी तरीके से यूज़ करके मैंने एक आइडिया निकाला है कि मैं ब्लैक बॉल पेन या ब्लैक जेल पेन से यूज़ करके पूरे एरिया में उस ब्लैक कलर के बदले ब्लैक जेल पेन से अगर हम आउटलाइन करेंगे तो एकदम फाइन और अच्छी आएगी। और जहाँ पे थिक चाहिए वहाँ पर थोड़ी मोटी बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल था। और नेक्स्ट मेरे को ये ड्राइंग ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसका बैकग्राउंड भी शेड किया, तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि बैकग्राउंड कैसा बनेगा। तो आप लास्ट में उसे भी देख सकते हो और मुझे ये बताना कि ये ऐसे बिना बैकग्राउंड के अच्छा लग रहा है कि बैकग्राउंड के साथ अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ये दोनों तरीके से ही अच्छा लगा, आपको कैसा अच्छा लगा वो मेरे को कमेंट में बताना। और नेक्स्ट मैं किसे ड्रॉ करूँ वो भी बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।